हेलो क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपका रिवीजन चल रहा है और ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी करवाया है, चैप्टर नंबर 8 वे दिन भी क्या दिन थे, पेज नंबर 62। इसको ओपन कर लीजिए और एक कहानी है आने वाले भविष्य के बारे में। इसमें बताया गया है कि आने वाले भविष्य में किस तरीके से पढ़ाई होगी, ठीक है ना, किस तरीके के शिक्षक होंगे, अकेले अकेले क्या होगी शिक्षण होगा, ठीक है ना, टीचर होंगे ना बच्चे होंगे साथ में, ठीक है ना, सबके अकेले अकेले पढ़ाई होगी, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो 2155 के बारे में इसमें बताया है, ठीक है। अभी कौन सा सन चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया है, 2155 की बात कही गई है, तो इसको ध्यान से सुनिए। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है, ठीक है, पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती हैं, ठीक है। आपने भी देखा है कि किस तरीके से पुस्तकों में कहानियाँ छपी रहती है और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता है। तो आपने बुक को देखा, आप भी पृष्ठ पेज को क्या करते हैं, पलट के आगे बढ़ाते हैं उसको, ठीक है, चलते नहीं थे, ठीक है, शब्द स्थिर रहते थे। शब्द क्या रहते थे, एक ही जगह में, एक पेज का शब्द एक ही जगह पे और दूसरे पेज का शब्द उसी जगह पे रहते थे। तो आजकल पर्दे पर चलते हैं, ठीक है। आपने देखा कंप्यूटर का ज़माना है तो उस पर क्या करते रहते हैं, जो अक्षर हैं वो चलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गए। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में तो पता नहीं कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती रही होंगी और फिर भी यह पुस्तक नई की नहीं रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। उस पुस्तक में क्या लिखा था, स्कूलों के बारे में लिखा था। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, ठीक है। तो ये आने वाले भविष्य के बारे में एक कहानी है, ठीक है ना, कि जब क्या नहीं होंगे, स्कूल नहीं होंगे, घर में बैठ के क्या होगी, पढ़ाई होगी, जैसे आजकल आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कुम्मी ने प्रश्न किया, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है, रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है। वह मशीन हमें बताती है सारा ग्रह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल दिया देना होता है, हमारी गलतियां बताकर उन्हें फिर से हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना शुरू करती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली कितना उबाव होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे क्या बोला कि जैसे क्या है, स्कूल में क्या होता है का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। जैसे पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा गया है उससे अलग होता है, वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली और फिर भी उसके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। फिर क्या बोली वो कि उसके यहाँ मशीन के अध्यापक तो होते होंगे, टीचर तो होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ
होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया और उसने मशीन के पेच पुर्चे 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 अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक चलेगा। जो उनका कंप्यूटर था और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठना जो लेसन था सबक था बैठ जाना पड़ा। फिर से कुम्मी क्या हो गई, भूगोल पढ़ना बैठ गई। मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती रही, ठीक है, मन ही मन कह रही कि ये ठीक क्यों हुआ होगा, ये ऐसी रहता तो मैं पढ़ती नहीं। तभी रोहित ने कुम्मी को के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है, ठीक है ना, क्यों नहीं। वह बच्चों के सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों को घर नहीं, जो अध्यापक हैं वो बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे क्या आते थे, स्कूल में पढ़ने आते थे, उसे स्कूल कहते हैं। जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं उसे क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। तो कुम्मी को का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीज़ें सीखते थे। तो हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जो एक एज के बच्चे फर्स्ट, एक एज के बच्चे सेकंड, एक एज के बच्चे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है, फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें पुस्तक पढ़ने की इच्छा नहीं है तो नहीं देंगे। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली, अंदर मशीन आगे का सबक था, जो आगे का लेसन था उसको पढ़ाने के लिए तैयार थी। मशीन की आवाज़ आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क भी होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया, ठीक है ना, कल का जो होमवर्क था उसको बताया वहाँ पे, और आगे का जो क्लास चल रही थी वो स्टार्ट हो गई। कुम्मी ने वैसा ही किया, वो सोच रही थी कि कितने अच्छे होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होंगी। इतने में मशीन ने से स्वर आया, आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो ये कहानी क्या थी, एक कल्पना थी कि आने वाले भविष्य में इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसमें आज बच्चों आपने क्या करना है, इसमें पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, घटना महत्वपूर्ण थी और यहाँ पे यह पुस्तक नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ तक आज का आपको लिखना है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दे रही हूँ मैं आपको, इतना आपको इसमें करना है। बाकी इसके प्रश्न मैं कल आपको करवाऊँगी, आज आपको इसको पैराग्राफ इसमें लिखना है, ठीक है। तो इतना आप करिए और हैंडराइटिंग आप अच्छी बनाइएगा, ओके।